बार फिर वेलकम है मेरे चैनल में। इसमें मैं आप लोगों के लिए एक और नया कोर्स लेके आया हूँ जिसका नाम है प्राइम, यानी कि फिजिक्स रिवीजन इन मिनट्स विद एंजॉयमेंट। ये कोर्स मेनली जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। इस कोर्स का एम जो है वो अभी आगे आने वाली परीक्षाओं में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, आप सभी इससे विदित है, आप सभी को जानकारी है कि आने वाले टाइम में आपके एग्जाम होने वाले हैं। कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि एग्जाम के बिना ही प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। निकट भविष्य में जल्द ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो उस एग्जाम में हमें अच्छे से तैयार रहना है और उस तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं अक्षय जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपके लिए ये कोर्स लेके आया हूँ। ये एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम फिजिक्स को कुछ मिनटों में जो है रिवाइज करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हम जो है वो किसी पर्टिकुलर बुक के यूनिट वाइज टॉपिक उठाएंगे और उसे जो है 5 to 10 मिनट उसे हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक ही होंगे। इन टॉपिक्स में मेनली डेरिवेशन या डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़े और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अल्टरनेटिंग एंड ट्रांजिएंट करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बुक है उसमें ये टॉपिक है आपका अल्टरनेटिंग एंड ट्रांजिएंट करंट। उस टॉपिक में भी हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है आरसी सर्किट। ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ भूमिका मैं आपके दिमाग में बांध देना चाहता हूँ। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। आप साथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी करते जाए। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन साथ साथ होता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टर्म आ रही है करंट। करंट का मतलब क्या होता है? जब भी किसी वायर में चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पाइप में पानी फ्लो करता है तो उसको वाटर करंट यानी कि जल धारा बोला जाता है, वैसे ही किसी वायर में जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। कि कितना फास्ट फ्लो करता है उसको उसके बेसिस पे करंट को मेजर किया जाता है। करंट को हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आवेश प्रवाह की दर। पर सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया उसे भी करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो यूनिट टाइम में क्यू बाय टी चार्ज फ्लो करेगा, तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बाय टी। ठीक है, इस करंट की जो यूनिट है वो यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इस एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पियर कितना होता है? तो आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा तो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। इसे दूसरे शब्दों में देखें तो जब किसी वायर से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में फ्लो कर जाएंगे तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। लेकिन ये दोनों ही डेफिनेशन मेजर करने के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इनको फिजिकली वायर में हम देख तो नहीं सकते कि ये इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए तो ये 1 एम्पियर हो गया। इसलिए स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन दी जाती है वो इस फॉर्मूले के बेस पे दी जाती है। आपको पता है कि जब दो वायर एक दूसरे के पैरेलल हो और उनमें करंट फ्लो हो रहा हो और वो आर डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो उन दोनों वायर के कारण एक दूसरे पर फोर्स लगता है और ये फोर्स का पर यूनिट लेंथ पर जो मेजरमेंट होता है वो इस फॉर्मूले से किया जाता है। F/L यानी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो होता है म्यू नॉट I1 I2/2πr। I1 I2 दोनों चार्जेस में फ्लो होने वाला करंट है और आर दोनों के बीच की डिस्टेंस है और L वायर की लेंथ है। पर यूनिट लेंथ पर हम जो है वो ये फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखो कि इसमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो करे और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर हो
और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है ये इतनी होती है 4π × 10⁻¹⁷। तो ये वैल्यू पुट करने पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का जो रिजल्ट आता है वो आता है 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन। तो इसके बेसिस पर हम 1 एम्पियर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो वायर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हो तो उनमें फ्लो होने वाला वो इक्वल करंट जिसके कारण से दोनों वायर एक दूसरे पर 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन का फोर्स लगाए जब उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर हो। इस तरह से हम स्टैंडर्ड वे में 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुई करंट की बात। करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे करंट की डायरेक्शन हमेशा जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। करंट जो है उसकी डायरेक्शन निकालने का दूसरा तरीका ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करता है करंट उसी तरफ माना जाता है, और नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करता है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानी जाती है। तो ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि करंट में डायरेक्शन होने के बाद भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन है फिर भी ये अदिश क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको याद होगा कि ये ट्रायंगल रूल का यूज करते हैं, यानी कि त्रिभुज नियम का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें करंट को ऐड करना हो, जैसा कि ये एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में जो है ये 3 वायर दिखा रखे हैं। इन 3 वायर्स में आप देख सकते हैं कि एक में 2 एम्पियर करंट आ रहा है, एक में 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो ये 2 और 3 एम्पियर हमेशा मिलकर 5 एम्पियर करंट ही देंगे, चाहे वायर को किसी भी एंगल पर रख दिया जाए, जबकि वेक्टर्स के एडिशन में ऐसा नहीं होता। इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो हुई करंट की जो है इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी हमेशा ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। जब दो वाटर का लेवल बराबर हो तो पानी फ्लो नहीं करेगा। जैसे दो कंटेनर बना रखे हैं और इन दोनों का लेवल इक्वल है तो इनमें पानी फ्लो नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, या यूं कहें दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो, तो उनमें करंट फ्लो नहीं करता। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार हम इनको स्किप कर देते हैं या हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो एक बार आपको ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा करंट के टाइप्स क्या होते हैं वो भी आप देखो यहाँ पर दे रखे हैं। करंट के टाइप्स जो है वो 3 तरह के करंट होते हैं। एक है स्टेडी करंट, एक है अल्टरनेटिंग करंट, और एक है ट्रांजिएंट करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है? स्टेडी करंट का मतलब ये होता है, इसको स्टेडी डीसी करंट भी कहते हैं या डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। स्टेडी करंट का मतलब ये हो गया कि जब किसी वायर में करंट की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन में टाइम के साथ कोई चेंज ना हो तो उसको हम स्टेडी डीसी करंट कहेंगे, यानी कि स्थाई दिष्ट धारा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इस सर्किट में एक वायर के साथ में एक बैटरी जुड़ी हुई है, 5 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस भी 5 ओम का है, तो इस सर्किट में हमेशा 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टेडी करंट है। ठीक इसी तरह से जब किसी वायर में करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ एक रेगुलर इंटरवल में चेंज होती रहे तो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे इस सर्किट में एक अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ रखा है, ठीक है, यानी कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ रखा है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी जो है वो टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहती है। इस सोर्स की कुछ समय पश्चात पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोलैरिटी वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो होता क्या है, शुरुआत में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ए टू बी फ्लो हो रहा है, थोड़े टाइम बाद पॉजिटिव नेगेटिव अपनी पोजिशन को स्वैप कर लेते हैं और करंट बी टू ए फ्लो होने लग जाता है, और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है। तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, वो भी आप ये अलग अलग जो है ग्राफ्स देख सकते हैं। ये किस बेसिस पे बताया, ये देखो हमने टाइम के साथ में करंट का ग्राफ प्लॉट किया,
तो देखो ये पहला जो ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है कि करंट पहले 5 एम्पियर तक फिक्स रह रहा है, फिर अचानक से जो है वो नेगेटिव में 5 एम्पियर हो गया, फिर अचानक से पॉजिटिव में 5 एम्पियर, फिर नेगेटिव में। तो इस ग्राफ की जो शेप आ रही है वो शेप जो है एक स्क्वायर की तरह आ रही है, इसलिए इसको हम स्क्वायर वेव करंट कह सकते हैं, यानी कि वर्गाकार धारा कह सकते हैं। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये दूसरा ग्राफ आप देखें, इस ग्राफ में भी करंट जो है वो पहले कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, फिर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव में करंट फ्लो हो रहा है, फिर सेम पैटर्न में ऐसा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, इसलिए ऐसे करंट को हम ट्रायंगुलर करंट कहते हैं। ठीक उसी तरह से जब करंट जो है वो इस शेप का हो, जैसा कि हमारा साइन या कॉस का ग्राफ आता है, तो ऐसे करंट को साइनसोइडल करंट कहते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स करंट भी हो सकता है। ये सारे ही करंट साइन और कॉस के ही फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को बेसिकली साइन या कॉस का फंक्शन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है ट्रांजिएंट करंट, यानी कि क्षणिक धारा। ट्रांजिएंट करंट का मतलब क्या होता है, जब किसी सर्किट में करंट थोड़े समय के लिए लगातार बढ़े या लगातार कम हो और फिर उसके पश्चात वो फिक्स हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जिस पीरियड में वो लगातार बढ़ रहा है या लगातार कम हो रहा है, उस पीरियड में जो करंट होगा वो करंट होगा ट्रांजिएंट करंट, क्षणिक धारा। तो हम जो है वो ट्रांजिएंट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मली एक रेजिस्टेंस में, जैसे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ में मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस और 5 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR से I निकाल सकते हैं, हमेशा 1 एम्पियर आना है। तो ये तो हमेशा स्टेडी करंट देगा, करंट इसमें ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो करंट को बढ़ाए या घटा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो शुरुआत में कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से उस पर पोटेंशियल जीरो होता है, यानी कि उन पर विभव जीरो होता है, दोनों ही प्लेट पर विभव जीरो होता है। जबकि बैटरी मान लो 5 वोल्ट की है, तो पॉजिटिव जो साइड है बैटरी का उसका पोटेंशियल 2.5 मान ले, और नेगेटिव साइड जो है उसका पोटेंशियल माइनस का 2.5 मान ले। ठीक है, तो अब आप देखो क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट है, वो प्लेट जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो बैटरी के इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए इसकी तरफ आएंगे, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो बैटरी की इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो प्लेट बैटरी की जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन प्लेट्स को देगी, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही है। तो इस तरह से बैटरी क्या कर रही है, कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज कर रही है, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर रही है, दूसरी प्लेट को नेगेटिव चार्ज कर रही है। चार्ज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल यानी कि विभव बढ़ रहा है, और इस प्लेट का पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने की वजह से इस प्लेट का विभव घट रहा है। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि इस प्लेट पर विभव बढ़ते बढ़ते जो है 2.5 वोल्ट हो जाएगा, और इस प्लेट पर विभव माइनस में होते होते माइनस का 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्लेट और बैटरी के पॉजिटिव में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक ऐसा ही इधर होगा, तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे तो धीरे धीरे करंट जो है वो कम होने लग जाएगा और लास्ट में जाकर करंट रुक जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होगा वो ट्रांजिएंट करंट होगा। अब कैपेसिटर के साथ में मोस्टली एक वायर जुड़ा हुआ होता है, उस वायर में कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो हम कैपेसिटर को अकेला अज्यूम नहीं कर सकते, कैपेसिटर के साथ में रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ा होता है। तो ऐसे जो सर्किट होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम RC सर्किट कहते हैं, और इनमें करंट जो फ्लो होगा वो ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगा। तो इसमें RC सर्किट में हम दो कंडीशन देखेंगे, एक बार कैपेसिटर की चार्जिंग देखेंगे, चार्जिंग का मतलब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने पर ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ
यहाँ करंट लगातार कम होता जाएगा। दूसरी तरफ हम डिस्चार्जिंग देखेंगे, मतलब इसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, उस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर से हम सीधा एक वायर कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी ये कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो करेगा और धीरे धीरे प्लेट्स पर जो है पोटेंशियल कम होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा और लास्ट में जाकर करंट इसमें भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर की चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन हम साथ में जानते हैं कि इसके साथ रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटर है और इसको हम एक बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आर और ये सी। अब इसकी मैथमेटिक्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बैटरी पर जो ईएमएफ है वो ई मान लेते हैं। अब यहां पर इस सर्किट पर हम अगर केवीएल लगाएं, बाय केवीएल, केवीएल का मतलब हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर हम यहां एक क्लोज लूप बनाते हैं तो क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका जो सम है वो जीरो होता है। तो यहां पर सबसे पहले ये आया टर्म हमारे पास E, फिर आप देखो इसमें करंट किसी मोमेंट पर मान लो I फ्लो हो रहा है और उस मोमेंट पर कैपेसिटर पर जो चार्ज इकट्ठा हुआ, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और इधर माइनस का Q। ठीक है, तो यहाँ वायर जो है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R है, तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर होगा। ठीक है, और कैपेसिटर के लिए आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाय सी। तो ये हमारे पास तीन पोटेंशियल डिफरेंस हुए, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस आई आर है और कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्यू बाय सी है। इन तीनों का सम जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो तीनों का सम निकालने के पहले हमें इनका साइन भी देखना पड़ेगा कि किस पर पॉजिटिव साइन आएगा और किस पर नेगेटिव साइन आएगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी ए टू बी जाने पर पोटेंशियल में कमी हो, डिक्रीज हो, तो वहां पोटेंशियल का साइन हम नेगेटिव लेंगे और ए टू बी जाने में अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो तो वहां साइन हम पॉजिटिव लेंगे। तो वायर से स्टार्ट करते हैं, हम जो है एक लूप बना रहे हैं, इस तरह से लूप बना रहे हैं, तो हम वायर की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। वायर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं यानी कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो मतलब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां आगे साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सेम केस में यहां पर हम जब कैपेसिटर में आगे बढ़ रहे हैं, यहां राउंड एक चक्कर लगा रहे हैं, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। फिर आप देखो यहां घूम कर वापिस आ रहे हैं हम, तो यहां बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन हमने बना ली, इसको आगे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि E बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास आई आर प्लस क्यू बाय सी। अब हम जानते हैं कि I जो होता है वो डी क्यू बाय डी टी होता है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी E इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी आर प्लस क्यू बाय सी। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली टर्म इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा E माइनस में क्यू बाय सी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी आर। ठीक है, फिर एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा EC माइनस में Q बाय सी डी क्यू बाय डी टी आर। अब आप देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये अवकल समीकरण बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चार्ज वाले टर्म एक तरफ लेने पड़ेंगे, टाइम वाले टर्म एक तरफ लेने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये डी क्यू अपॉन में ये चार्ज वाले टर्म लिख देते हैं, EC माइनस Q इक्वल्स टू आर सी
इक्वल्स टू ये डी टी अपॉन आर सी। ये देखो ये टर्म हम इधर लिया है, टाइम ऊपर आ जाएगा, आर और सी नीचे आ जाएंगे और ये टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे, बाय इंटीग्रेशन तो ये डी क्यू अपॉन में ई सी माइनस क्यू और ये डी टी अपॉन में आर सी। अब जब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, वन अपॉन में क्यू वाली टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ई सी माइनस क्यू, और क्योंकि क्यू के आगे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। इसी तरह से यहां आर सी कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन आर सी कॉन्स्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। अब क्योंकि हमने यहां कोई लिमिट नहीं लगाई है इसलिए यहां इंटीग्रेशन के लिए कॉन्स्टेंट हम यूज कर लेते हैं के, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आया। अब इसको थोड़ा इजी रखने के लिए ये माइनस साइन उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा लॉग ई सी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी माइनस के। अब देखो इसको हम बाउंड्री प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। बाउंड्री प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम टी इक्वल्स टू जीरो रख के देखेंगे कि उस कंडीशन में चार्ज की वैल्यू क्या थी। तो देखो टी इक्वल्स टू जीरो मतलब जस्ट हमने यहां पर चार्जिंग स्टार्ट ही की है, मतलब हमने बैटरी से कनेक्शन किया ही है तब तक इस पर प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर क्यू जो है वो भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो पहले आप ये पूरा नोट कर ले, इसके बाद में आगे के टर्म हम लिखते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखो इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं टी इक्वल्स टू जीरो पर क्यू इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन बन जाएगी, लॉग ई सी क्यू तो जीरो हो गया, माइनस का टी बाय आर सी माइनस का के, लेकिन टी भी जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। ठीक है, तो जीरो माइनस का जीरो माइनस के, तो यहां पर के की वैल्यू आ गई माइनस का लॉग ई सी। ठीक है, ये के की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन में वापस रख देते हैं। इस इक्वेशन में वापस रखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लॉग ई सी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, यहां माइनस के, के की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं तो लॉग ई सी माइनस क्यू माइनस लॉग ई सी इक्वल्स टू माइनस का टी बाय आर सी। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन और ये माइनस का टी बाय आर सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन बना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब यहां लॉग की जगह पर एंटी लॉग ले लें तो मतलब हम ये लॉग हटा दें तो ये सारा e की पावर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप पता है आपको कि यहां पर लॉग हटाने पर ये सारा टर्म जो है वो e की पावर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी, ये पूरा टर्म e की पावर में इक्वल टू e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, फिर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ई सी में ई सी से डिवाइड करेंगे, वन माइनस में क्यू अपॉन ई सी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी, q इक्वल्स टू ई सी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। तो इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाला टर्म जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे शुरुआत में टी जीरो रखो, आप टी जीरो रखोगे तो ई की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो करते हैं तो वो होता है वन, वन माइनस वन जीरो, यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पर क्यू भी जीरो होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे आप, टी इक्वल्स टू वन रखा, वन रखते ही आप देखो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ई सी
1 माइनस ई की पावर माइनस में 1 बाय आर सी। तो यहां पर ये कुछ वैल्यू जो है वो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगी। जीरो नहीं आने से वन में से कुछ माइनस जरूर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आपके पास जीरो नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप देखो ये वाली जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जाएगी, और ये कम होती होती जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब जीरो हो जाएगा, और इनफाइनाइट टाइम पर q कितना हो जाएगा, ec हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि चार्ज जो है वो टाइम के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और एक मोमेंट पर आकर चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, और ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए इसको क्यू नॉट से शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो यूं बन जाएगी, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है चार्जिंग के केस में इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको और एनालिसिस कर सकते हैं हम, आप देखो जो ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में हम अगर टाइम की वैल्यू जो है वो टॉ मान ले और उसको हम एज्यूम कर ले आर सी के बराबर में, ठीक है, ये हम एज्यूम कर लें, तो क्या बनेगा हमारे पास, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर टी की जगह पर हमारे पास क्या हो गया, आर सी हो गया, अपॉन में आर सी हो गया, ठीक है। तो ये क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस वन हो जाएगा, आर सी कट जाएगा और ये बन जाएगा क्यू नॉट वन माइनस वन अपॉन ई, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ई की वैल्यू रखकर, तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये लगभग चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम चार्ज का 0.63 होगा, ठीक है, या यूं कह दें 63% होगा, ठीक है। तो जब भी चार्ज, मतलब ये इसके बेसिस पर हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो टाइम जिस पर कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और वो टाइम कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, आर और सी का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, और टाइम कांस्टेंट का मतलब वो टाइम जिसमें कैपेसिटर जो है मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाए, ठीक है। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हुआ। अब आप देखो हमने ये चार्जिंग के लिए चार्ज की इक्वेशन तो निकाल ली, इसी के बेसिस पर हम जो करंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं भी करंट कैसे चेंज होगा इसमें, ठीक है। तो करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, तो करंट के लिए इक्वेशन क्या आएगी, आई हमें पता है करंट जो होगा वो क्या होगा, डीक्यू बाय डीटी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है। तो Q हमारे पास आया Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। करना है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ Q नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज पड़ा है, इसके मल्टीप्लाई में ये है 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। फिर आप देखें कि यहां पर ये ई की पावर माइनस में टी बाय आर सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर सी हो जाएगा, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी, ई सी है अपॉन में आर सी, और साथ में ये आ रहा है ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब आप देखो सी से सी कट जाएगा, आई बराबर में आएगा ई अपॉन आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। देखो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट डिक्रीज होता जाएगा। जैसे टाइम जीरो रखते हैं हम, तो यहाँ ई की पावर जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म वन हो जाएगी, और ये वन होने पर करंट कितना होगा, ई बाय आर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
ये टर्म जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और इसके साथ साथ करंट भी डिक्रीज होता जाएगा। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो टाइम के साथ साथ करंट डिक्रीज होता है, और जब ये टाइम हम इनफाइनाइट कर देंगे, जब बहुत सारा टाइम बीत चुका होगा, तो टाइम इनफाइनाइट करने पर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होगी, यानी कि करंट भी जीरो हो जाएगा। तो ये था ट्रांजिएंट करंट का एग्जाम्पल थ्रू आरसी सर्किट। आप देखो इसके हम जो है ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इनके जो ग्राफ आएंगे, करंट का जो ग्राफ आएगा टाइम के साथ में, पहले मैक्सिमम और फिर लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। और चार्ज का जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, शुरुआत में चार्ज जीरो है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पर आकर चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चार्जिंग के लिए ग्राफ हो गए। तो आज हमने पढ़ा आरसी सर्किट और आरसी सर्किट की चार्जिंग पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो आज के लिए इतना ही, होप कि आपने ये अच्छे से समझा, ठीक है, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और बी प्रिपेयर्ड फॉर दी एग्जाम।